पहाड़ समाचार आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत गंगोत्री सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। ये सीट बीजेपी विधायक गोपाल रावत के निधन के बाद से खाली चल रही है। वहीं स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं की मुख्यमंत्री को गंगोत्री सीट से चुनाव लड़ाने की पेशकश के बाद से संगठन स्तर पर भी चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि गंगोत्री विधानसभा सीट सीएम के लिए सबसे बेहतर विकल्प है। आपको यह भी बता दें, 10 सितंबर से पहले सीएम तीरथ सिंह रावत को चुनाव लड़ना होगा। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहित और हक हकुकधारियों के एक बार फिर से लामबंद हो गए हैं। बोर्ड पर सरकार के रुख के खफा चारों धामों के तीर्थ पुरोहित व हक हकुकधारियों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। 21 जून से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जबकि चारों धामों के पुजारी तीर्थ पुरोहित काली पट्टी बांध कर पूजा करेंगे। वहीं देवस्थानम बोर्ड के कुछ सदस्यों को लेकर भी बवाल खड़ा हो गया है। बताया जा रहा है कि इस बोर्ड में कुछ उद्योगपतियों को भी शामिल किया गया है, जबकि शंकराचार्य के प्रतिनिधियों की अवहेलना हुई है, जिसको लेकर देवस्थान बोर्ड को भंग करने की मांग उठी है। उत्तराखंड में चारधाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर बीजेपी नेताओं के अलग अलग बयान भी सामने आ रहे हैं। जहां कुछ दिन पहले पर्यटन मंत्री सत्यपाल महाराज ने देवस्थानम मामले में फिर से विचार करने से मना कर दिया है, वहीं धर्मपुर से बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने देवस्थानम बोर्ड को प्रदेश की जरूरत बताया है। इस तो करने का प्रश्न ही नहीं होता है, विधानसभा से उसको पास किया गया है, उसमें बाकायदा हम लोगों ने अपने वक्तव्य दिए हैं, तो क्या हमने झूठ बोला विधानसभा के अंदर? क्या जब हमने प्रदेश की जनता को आश्वस्त किया कि देवस्थानम बोर्ड उनकी भलाई के लिए आ रहा है, तब भी हमारे एक मुख्यमंत्री थे, तब भी हमारी सरकार थी, और हमने वहाँ पर हमारे तो भाषण रिकॉर्ड है उसमें, तो क्या हम झूठ बोल रहे थे क्या? या आज जब हम उस पर विधानसभा में चर्चा करेंगे तो क्या हम अपने बयानों से पलटेंगे क्या? तो क्या हमने कुछ सोच समझ कर नहीं बोला था क्या? ये तो सब पर प्रश्न चिन्ह लगने वाली बात। हाँ, पेट्रोल और डीजलों की कीमतों बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता आज पेट्रोल पंप के बाहर सांकेतिक प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस नेताओं ने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए इस सांकेतिक प्रदर्शन को सफल बनाएं। और इस बीच देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है, अगले 3 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट। बड़ी खबर इस वक्त की है, 11 जून से 13 जून तक प्रदेश में हो सकती है भारी बारिश। 11 और 13 जून को प्रदेश के पहाड़ी जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम केंद्र देहरादून में भी जारी की गई है चेतावनी, तो बहुत भारी बारिश हो सकती है, मौसम केंद्र देहरादून में ये चेतावनी जारी की गई है। और इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है कि अगले 3 दिनों के लिए भारी बारिश का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। 11 से 13 जून तक प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है, और इसके साथ ही प्रदेश के पहाड़ी जिलों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि भारी से बहुत भारी ये बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में प्री मानसून दस्तक दे चुका है, लेकिन इस दस्तक के साथ ही यहाँ पर तबाही का मंजर भी दिखने लगा है। देहरादून के मालदेवता में भारी बारिश के बाद मलबा आने से तबाही मची है। कई गांवों का संपर्क देहरादून से कट गया है। मलबा हटाने का काम तो जारी है, लेकिन इस दौरान एक हैरानी वाली जो तस्वीर है वो भी सामने आई है, जहाँ पर बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ और प्रशासनिक अधिकारी कुर्सी पर बैठे नजर आए। देहरादून के मालदेवता क्षेत्र में भारी मलबा आने से गांव को हुए नुकसान को लेकर निरीक्षण करने के लिए स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पहुंचे। गणेश जोशी ने साफ शब्दों में कहा है कि सड़क निर्माण में नियमों का पालन नहीं किया गया, जिसके कारण ये हादसा हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने लोक निर्माण विभाग के जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड करने के भी निर्देश दिए हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से बात की हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला ने। देहरादून के मालदेवता क्षेत्र में भारी मलबा आने से दिक्कतें हुई हैं, कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी हमारे साथ हैं। सर, किस तरह से अधिकारियों ने क्या कुछ आपको बताया, गांव वालों से आपकी बात हुई, क्या बता पा रहे हैं, कारण क्या कुछ? देखिए, PNGSY से सड़क यहाँ पर बन रही थी, और जो मेरी जानकारी मैंने यहाँ पर आकर ली, जो मुझे गांवों ने बताया कि विभागीय लापरवाही के कारण, क्योंकि JEE साइड पर नहीं आता था, और जिसके कारण ठेकेदार ने मनमाना काम किया और उसकी वजह से इतनी बड़ी घटनाएं पर हुई, वो तो ईश्वर का शुक्र है कि कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है।
मैंने अधिकारियों से कह दिया है कि इसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए, उसको तुरंत सस्पेंड किया जाए और जो लोग प्रभावित हुए हैं उनको मुआवजा दिया जाए। कुछ लोगों ने कहा कि हम अपने को अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, उनको हम मालदेवता स्कूल में शिफ्ट कर रहे हैं, उनकी खाने पीने सारी की व्यवस्था जो है सरकार करेगी और जो इनकी फसल ख़राब हुई है उसका भी जो अनुमानित मुआवजा है वो दिया जाएगा और कहीं और दिक्कत होगी तो और ही मदद उनकी जो है सरकार करेगी। अच्छा, दूसरा क्या है कि ये हिस्सा हम देख रहे हैं बारिश के बाद यहाँ खतरा ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसको देखते हुए सेफ्टी वॉल या अन्य कामों के? एक तो मैंने अभी अधिकारियों से कहा है कि यहाँ पर बैरिकेड लगा दिया जाए तुरंत ताकि गांव सुरक्षित हो जाए और इसकी व्यवस्था हमारे अधिकारियों ने कर दी है और हम सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ पर जो है बैरिकेड जो है तुरंत लगा दिया जाए। ब्रिटिश अमली सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। देहरादून के मालदेवता में जो मलबा आने से तबाही आई है वहां पर प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत निर्माण कार्य किया जा रहा था और मानकों को ताक पर रखकर बिना डंपिंग जोन से सारा मलबा बरसाती नाले में डाला जा रहा था। यही मलबा मुख्य सड़क पर आ गया। हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला ने ग्राउंड जीरो पर जाकर जायजा लिया तो हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। मालदेवता क्षेत्र में जो आपदा आई है वो किस तरह आई होगी आप ये देखिए, सामने आपको इस तरह से ये पूरा मिट्टी का पहाड़ दिख रहा है, असल में इसके ऊपर आपको वॉल दिख रही है, ये पूरी सड़क काटी गई है, एक पक्की सड़क काटी गई है, PMGSY प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क काटी जा रही थी। लेकिन जो मानक हैं, जो बार बार सुप्रीम कोर्ट कहता है, जो बार बार गाइडलाइन है कि आप जो आपका डंप मटेरियल होगा उसको आप डंपिंग जोन में डालेंगे, लेकिन सारी पहाड़ी काट के ये मलबा इस तरह से ये साथी नाले में जमा कर दिया गया और जब बारिश हुई तो ये पूरा प्रेशर के साथ ये सारा मलबा जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ से लेके सामने की ओर जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी ये सारा मलबा नीचे की ओर आया और जहाँ इसको जगह मिली ये वहाँ तक अपना क्षेत्र बढ़ाता गया और यही मलबा फिर नीचे मालदेवता क्षेत्र में लोगों के घरों में, लोगों के खेतों में और जो सड़क है सड़क तक पहुँचा है। बड़ा नुकसान इससे हुआ है और भविष्य के लिए भी ये बड़ा खतरा है क्योंकि आप देखिए कितना मलबा इस क्षेत्र में जमा हो चुका है। बरसात की अभी शुरुआत है, अगर इसी तरह बरसात तेज़ी से बढ़ती रही तो दिक्कतें हो सकती हैं। अभी मानसून का पूरा सीज़न बाकी है और प्री मानसून में अगर इस तरह के हालात हैं तो आप समझिए जब बारिश तेज़ होगी तो हालात क्या होंगे, कितने ख़राब हो सकते हैं। आज भले ही जनहानि नहीं हुई है, लोगों को दिक्कत नहीं हुई, लेकिन उनकी उपजाऊ ज़मीन ख़त्म हो गई, कई जगह सड़कें बाधित हो गई और कई दिन तक ये बाधित रहेंगी क्योंकि मलबा बहुत ज़्यादा है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि जब राजधानी के सचिवालय से 7 किलोमीटर की दूरी पर सचिवालय जिसमें अधिकारी बरसात से बचाव जो मानसून की तैयारियों को लेकर दावे करते हैं और हकीकत यह है कि प्री मानसून में राजधानी के अंदर इतने बुरे हालात हो जाते हैं। ब्रिटिश जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, मालदेवता, देहरादून। चमोली के रेडी में आई प्राकृतिक आपदा को 4 महीने हो चुके हैं लेकिन अभी NTPC सुरंग के अंदर सर्च ऑपरेशन जारी है। 2013 की आपदा के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऑपरेशन है जिसमें आज तक प्रशासन की ओर से 204 लोगों के लापता और मृत घोषित किया गया है जिसमें से 122 लोगों को मृत्यु प्रमाण पत्र देकर मुआवजे की राशि भी दी जा चुकी है। करीब 4,88,00,000 रुपए की धनराशि वितरित की जा चुकी है। प्राकृतिक आपदा में 121 लोग अभी भी लापता है जिनकी तलाश की जा रही है। देखिए रैणी की जो 7 फरवरी रैणी तपोवन की 7 फरवरी की आपदा में 204 लोगों की मृतक और मिसिंग होने की हमारे पास सूचना आई थी, उसमें से हम लोगों ने 122 लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र मेरे ऑफिस के द्वारा ये जारी कर दिए गए हैं और समस्त 122 लोगों को SDRF का जो हमारा अनुमन्य धनराशि होती है 4,00,000 की वो दे दी गई है। साथ ही चमोली जनपद के कुल 34 लोग इसमें थे 122 में। 7 फरवरी को आई इस प्राकृतिक आपदा में भारी नुकसान हुआ था। NTPC की टनल मलबे से भर गई थी, पैरासाइट बर्बाद हो गया था, उसके बाद रेस्क्यू कार्य शुरू किया गया लेकिन अभी तक रेस्क्यू कार्य पूरा नहीं हो पाया है। जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन सेमवाल। चमोली के रेणी क्षेत्र में आई प्राकृतिक आपदा को 4 महीने बीत चुके हैं। 4 महीने के बाद लगभग 122 लोगों को मुआवजा दिया जा चुका है जबकि प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार अभी भी 121 लोग इस पूरे घटना में लापता बताए जा रहे हैं। तो वहीं अगर बात करें तो इतना बड़ा सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, इससे भी ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किसी भी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए हम कितने तैयार हैं। शुरू में ये कहा जा रहा था कि NTPC की टनल को लगभग 1 महीने के अंदर
खाली करके वहाँ पे जो लोग फंसे हुए उनको निकाल दिया जाएगा। लेकिन आज 4 महीने हो चुके हैं, अभी तक इस पूरे मामले में सर्च ऑपरेशन जारी है, किसी के परिजनों को उनके शव बरामद नहीं हुए हैं। तो अभी भी लोग NTPC टनल के चक्कर लगातार मारते रहते हैं ताकि उनके परिजनों को उनका शव मिल सके। मुआवजा बढ़ चुका है, राहत लोगों को दी जा चुकी है, लेकिन आने वाली प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सरकार की किस तरीके की तैयारियाँ हैं, इस पर भी कहीं ना कहीं सवाल के निशान खड़े होते हैं। मानसून सीजन आने को है, पहाड़ों में लगातार भूस्खलन के साथ साथ प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, लेकिन हम उसके लिए कितने तैयार हैं ये भी उत्तराखंड सरकार को देखना होगा। नितिन सिंह, न्यूज स्टेट चमोली। पेयजल मंत्री बिशन सिंह चौफाल ने उत्तरकाशी को बड़ी सौगात दी है। पेयजल मंत्री ने डूंडा के वीरपुर गांव में लाखों की लागत से तैयार पंपिंग पेयजल योजना का लोकार्पण किया है और इस योजना से अब कई गाँव में पेयजल की किल्लत दूर हो जाएगी। जो बरसात का पानी नदी नालों में गिरता है उस पानी को संग्रह करके जलाशय का निर्माण किया जा रहा है। कुछ जलाशय बड़े बड़े जलाशय का निर्माण, वो जलाशय में जब बरसात का पानी जाएगा तो जो हमारे स्रोत थे वो स्रोत पुनः रिचार्ज होंगे, पुनः जो पानी की जो क्षेत्र में वहाँ पर लोग से पानी पीते थे धारे नौले, और वो धारे नौले निकलकर उस नौले धारे से पानी पाइप के माध्यम से उनके घर तक पहुँचाने का काम सरकार कर रही है। और इस बीच उत्तरकाशी से बड़ी खबर मिल रही है, जिला आबकारी प्रतिमा गुप्ता निलंबित, बड़ी खबर है इस वक्त की। देहरादून आबकारी आयुक्त विभाग में अटैच किया गया है, जिला आबकारी अधिकारी पर लगे हैं कई आरोप, विभाग के कर्मचारियों ने लगाए थे कई गंभीर आरोप, आबकारी निरीक्षक को जिला आबकारी प्रभारी बनाया गया, बड़ी खबर है इस वक्त की है। कई गंभीर आरोप लगे हैं जिसके बाद विभाग के कर्मचारियों ने जो गंभीर आरोप लगाए थे अब आबकारी निरीक्षक को जिला आबकारी प्रभारी बनाया। तो देहरादून आबकारी आयुक्त विभाग में अटैच किया गया है, जिला आबकारी अधिकारी पर कई आरोप लगे हैं। पौड़ी जनपद जिले चौबट्टा में गुलदार ने एक महिला को अपना शिकार बना डाला है। यहाँ के डाबरा गांव में 55 साल की गोदामरी अपने खेत में काम कर रही थी, जब गुलदार ने उन पर हमला कर उनकी जान ले ली तो इस घटना के बाद से गांव के लोगों में खौफ है। गांव वाले प्रशासन से इस आदमखोर गुलदार को पकड़ने की गुहार लगा रहे हैं। अगर ये क्षेत्र बाघ क्षेत्र घोषित करना है तो आप बिल्कुल बाघ क्षेत्र को घोषित कर सकते हो, और यहाँ जो भी जनता है, जो भी हमारी 2-3 गांव यहाँ है, इनको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए और इसको बाघ क्षेत्र बना दिया जाए। हर रोज यहाँ कोई ना कोई घटना, कभी किसी के बकरी, कभी किसी के गाय, कभी आदमी, हर रोज घटनाएं चलती जा रही है। और इसी बीच चमोली से बड़ी खबर मिल रही है, चारों धाम के तीर्थ पुरोहित करेंगे प्रदर्शन, बड़ी खबर इस वक्त की है। चारों धाम के तीर्थ पुरोहित प्रदर्शन करेंगे, काली पट्टी बांध कर प्रदर्शन करेंगे, देवस्थान बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। तीर्थ पुरोहित बोर्ड को लेकर विरोध कर रहे हैं, जिसको देखते हुए आज ये प्रदर्शन करेंगे और उनकी कई तरह की जो मांगे हैं उनको लेकर भी यहां पर आपको बता दें प्रदर्शन किया जाएगा। चारों धाम के जो तीर्थ पुरोहित है उनका प्रदर्शन देखने को मिलेगा। रुद्रप्रयाग में जैविक और अजैविक कूड़ा बेचकर नगर पालिका की आय मजबूत हो रही है, कूड़ा लाखों की आमदनी का जरिया बना हुआ है, कूड़े से मिली धनराशि से शहर का विकास किया जा रहा है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। रुद्रप्रयाग में नगर पालिका की सराहनीय पहल, कूड़ा बेचकर पालिका ने लाखों रुपए कमाए हैं। जिस कूड़े को देखकर लोग मुंह फेर लेते थे, वही कूड़ा नगर पालिका के लिए लाखों की आमदनी का जरिया बन रहा है। इस कूड़े से आम लोग भी कमाई कर सकते हैं। वर्ष 2019 में हमारे द्वारा 15,000 का कूड़ा इसमें विक्रय किया गया, वर्ष 2020 में 90,000 का कूड़ा हमारे द्वारा विक्रय किया, और वर्ष 2021 में जनवरी से अभी तक हमारे द्वारा 2 लाख रुपये का कूड़ा विक्रय किया जा रहा है। और हम भविष्य में भी इसमें और अधिक इसमें सुधार करने की और अधिक आमदनी बढ़ाने की इसमें कोशिश कर रहे हैं। इस अभियान से कई लोगों की रोजी रोटी चल रही है। 3 महीने में अजैविक कूड़े से पालिका को 2 लाख से ज्यादा की कमाई हुई है। अब पालिका ने हर साल अजैविक कूड़े से 10 लाख की कमाई का टारगेट रखा है। इसमें हमें रुद्रप्रयाग की जनता का पूरा सहयोग प्राप्त होता है, एवं हमारे सफाई कर्मचारियों द्वारा भी इसमें पूर्ण निष्ठा के साथ अपना कार्य किया जाता है। जो कूड़ा विक्रय से हमें धनराशि प्राप्त होती है ये हमारे पालिका निधि में जमा होती है, जिसे कि हम पालिका के विकास कार्यों में लगाते हैं।
इसके अलावा जैविक कूड़े से हमारे द्वारा खाद बनाई जा रही है, जिसमें कि खाद के उसके बाद हम टेस्टिंग करके उसमें खाद विक्रय की प्रक्रिया को शुरू करें। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर बसे रुद्रप्रयाग को नगर पालिका बने डेढ़ दशक का समय बीत चुका है। नगर पालिका की तरफ से करीब 6 टन कूड़ा कचरा इकट्ठा किया जा रहा है। कूड़े में 40 क्विंटल जैविक और 20 क्विंटल अजैविक कचरा शामिल है। रोहित डिमरी के साथ टीम न्यूज स्टेट। चमोली में गैरसैंण पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार से 10 पेटी अवैध शराब बरामद की है और इस दौरान पुलिस ने एक शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा शख्स फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज करके फरार शख्स की तलाश में जुट गई है। चेकिंग के दौरान एक वाहन UK 11A 3213 ऑल्टो कार को चेक किया गया, जिसमें से एक व्यक्ति मौके से फरार हो गया। पुलिस द्वारा गाड़ी की तलाशी ली गई तो मौके पर गाड़ी से 10 पेटी अंग्रेजी शराब सोल में ढुसकी बरामद हुई। चालक को मौके पर गिरफ्तार कर बरामद शराब को कब्जे पुलिस लिया गया एवं फरार व्यक्ति की तलाश की जा रही है। रुड़की में देर रात एक वकील की हत्या से सनसनी फैल गई। अज्ञात बदमाश वकील के सीने में गोली मारकर आसानी से फरार हो गए। घटना रुड़की के पुरानी तहसील के पास की है और मृतक वकील का नाम मोहम्मद उस्मान है, जो कि दाड़ा भनेड़ा गांव के रहने वाले थे। बताया यह भी जा रहा है कि वकील मोहम्मद उस्मानी किसी काम से अपने स्कूटर से बाहर निकले थे, तभी घात लगाए बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। और अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही।